हाँ जी बिल्कुल, आज से PSL का जो है वो बाकायदा से आगाज हो जाएगा। अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियों का अमल जो है वो हतमी मराहिल में दाखिल है, और सबसे जो अहम चीज़ है कि इसकी जो इफ्तिताही तकरीब है PSL 8 की, वो मुल्तान में जो है वो मुनाक़िद जो है वो की जा रही है। शायकी ने क्रिकेट भी इस PSL की इफ्तिताही तकरीब को लेकर काफ़ी जो है वो एक्साइटेड जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तैयारियों की अगर बात करें तो मैं इस टाइम मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम में यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है वो कल जिन जो है वो सिंगर्स ने जो परफॉर्म करना है उनकी प्रैक्टिस सेशन का जो है वो आगाज़ हो चुका है, और इसके साथ साथ तमाम तक जो इंतजाम है वो जो है वो मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और इसमें जो सबसे अहम चीज है टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, यहाँ पर AR और VR टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है वो यहाँ पर भी आएंगे, और जो अपनी यहाँ पर मौजूद शायकीन है उनसे जो शायकीन भी जो खूब उनसे जो है वो लुत्फ अंदोज हो गए। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो मजमुई तौर पर 8,000 से ज्यादा पुलिस के एहलकार जो है वो ड्यूटी के फ्राइज जो है वो सारे अंजाम देंगे। और शायकीन क्रिकेट के लिए फातिमा जना कॉलोनी में जो वो पार्किंग का एहतमाम किया गया है, शायकीन वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ वहाँ पर पार्क करेंगे, और वहाँ से खसूसी वीडा जो बसेस हैं उसके थ्रू उनको स्टेडियम जो है वो मुंतकिल किया जाएगा, और वहाँ पर बाकायदा तौर पर चेकिंग के थ्रू और टिकट चेक करने के बाद उसको जो है वो शायकीन क्रिकेट को ग्राउंड के अंदर तक जो है वो एक्सेस दी जाएगी। शायकीन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और फर्स्ट टाइम जो वो इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में मुनाकिद होने जा रही है। तो बाकायदा तौर पर आज से जो वो PSL का आगाज़ हो चुका है, और आप इफ्तिताही मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर के मबैन जो है वो खेला जाएगा। दोनों कप्तान हैं वो अब जीत के लिए काफ़ी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद रिजवान का भी ये कहना था कि वो अच्छा जो है वो खेल पेश करेंगे। आगे भी उनका कहना था लाहौर जो है वो लाहौर कलंदर है वो भी टीम काफ़ी जो है वो फॉर्म में है। तो दोनों कप्तान का कहना था कि वो इस खेल को जो है वो खूब जो है वो इंजॉय करेंगे।